Hey guys, तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है भूषण और आप देख रहे हो YouTube BhushanDroid पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले Ptron टेंजेंट लाइट के बारे में। तो ये हेडफोन्स है बेसिकली, तो आप ये इस तरह से पहन सकते हो यानी पे एंड काफ़ी ज़्यादा कूल टाइप ऐसे लग सकते हो एंड दिख भी सकते हो, ऑब्वियसली बात है। तो ये इसके अंदर ना आपको मैगनेट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है। तो मैं आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देना चाहता हूँ ये कैसे है। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें हेडफोन्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे मैग्नेट्स होते हैं, तो ये मैग्नेट्स बेसिकली कोई भी काम के नहीं होते हैं। तो ये मैग्नेट्स कोई मतलब यूजलेस मैग्नेट्स है ये। तो मतलब ऐसा अगर आप सोचते हो कि ये ऐसे लग करके अगर हमारा गाना बंद हो जाएगा या फ़ोन कट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बस आपके इसलिए होते हैं, अभी इनका एग्जैक्ट रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये कैसे, ये इधर घूमता है एक इधर घूमता है, तो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो इसके लिए ये मैग्नेट्स दे के रखे हैं जो कि ऐसे कनेक्ट होकर ऐसे नज़दीक होते हैं, तो इधर उधर नहीं जाते, एक जगह पे होते हैं। तो बेसिकली इन मैग्नेट्स को वही काम है जो यूजलेस मैंने आपको बताया। तो वो यूजलेस इस टर्म में बताया कि ये आपका कंट्रोलिंग में काम नहीं आने वाले, ये बस आपके हेडफोन को यहाँ वहाँ नहीं जाने देने वाले। तो एक्चुअल में ये जो मैंने यूजलेस बोला, ये यूजलेस नहीं, थोड़ा यूजफुल है अगर आप उस तरह से इसे देखते हो तो, ठीक है? एंड अभी यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या देखने मिलता है। तो यहाँ पर देखिए यार, आपको यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है प्लस, यहाँ पे लिखा गया है माइनस, एंड यहाँ पे जो सेंटर वाला बटन होता है यहाँ पे आपको यहाँ से पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है गाइस? एंड यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे लिखा है Ptron, क्योंकि ऑब्वियसली बात ये Ptron का है। एंड ये जो पोर्शन है आपको यहाँ पे देखने मिलती है इसकी बैटरी, तो यहाँ पे होती है बैटरी, यहाँ पे होते हैं आपके कंट्रोल्स, प्लस माइनस एंड ऑन ऑफ वाला कंट्रोल, एंड यहाँ पे होता है आपका चार्जिंग वाला ऑप्शन, तो आप यहाँ से चार्ज भी कर सकते हो। तो गाइस अभी इसे लेकर के मुझे हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा दिन, मतलब 15 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड 15 दिनों के बाद मैं आपको यहाँ पे ये वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा भी आपको रियलाइज़ हुआ होगा, बाहर से जो है वो एक रिक्शा गई, तो रिक्शा क्या आवाज़ यहाँ पे आया। तो यार अब ऐसा होता रहता है क्योंकि हम घर में हैं, हमारे पास ज़्यादा बड़ा स्टूडियो ये वो नहीं है, हम अभी तक छोटे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको बेयर करना पड़ेगा हमारे साथ में, ठीक है? तो ऐसा है। हेडफोन की अगर मैं बात करूँ तो यार देखो, हेडफोन ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे इसके साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसकी बेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हमें यहाँ पे सुनने मिलता है, एंड आप इससे बातें भी कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप आपका काम कर रहे हो एंड आपका फ़ोन वहाँ पर रखा है, एंड अगर ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है ना, तो अगर वहाँ पर आपका फ़ोन बजने लगेगा तो आप यहाँ से कॉल उठा सकते हो एंड यहाँ से बात भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मतलब हैंडी लगता है मुझे ऐसा लगा, तो एंड बात करो आराम से, क्योंकि इसके अंदर हेडफोन भी है तो आप आराम से बात भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। क्योंकि मुझे नहीं आई तो आपको क्यों आएगी, ठीक है ना? अगर आई तो आपके हेडफोन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप वो वैसे कंपनी से रिप्लेसमेंट भी ले सकते हो, ठीक है? एंड अगर बात करते हैं इसके बैकअप के एंड वो सभी चीज़ों के बारे में, तो यार लगभग जो बैकअप हमें देखने मिल जाता है वो लगभग 6 घंटे का बैकअप आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। अच्छा खासा 6 घंटे वाला बैकअप, बढ़िया है। साउंड क्वालिटी नॉन स्टॉप आप 6 घंटे तक इसे सुन सकते हो, लेकिन नॉन स्टॉप तो मेरे को पता है यार कोई गाना सुनता है नहीं, 6 घंटे तक कौन गाना सुनने वाला है? तो ऐसा रुक रुक के भी आप आराम से इसे सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। एंड यहाँ पे जो एक और चीज़ होती है, मतलब जो चार्जिंग का टाइम अगर मैं बात करूँ, तो जो चार्जिंग का टाइम है गाइस वो लगभग 1.5 आवर्स में ये फुल चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे रेड लाइट, ब्लू लाइट होता है, चार्ज होने के बाद ब्लू लाइट लग जाता है, चार्जिंग के वक्त रेड लाइट लगता है, एंड कनेक्शन के वक्त रेड एंड ब्लू लाइट ऐसा ब्लिंक होते रहता है। तो वो आपको पता चल जाएगा जब आप इसे यूज़ करोगे तब, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूँ ना बेस क्वालिटी की, अगर मैं बात करूँ ना साउंड क्वालिटी की, अगर मैं बात करूँ ट्रिबल की, म्यूज़िक की एंड ओवरऑल सभी चीज़ों के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार। मतलब अगर आप चाहते हो ना ऐसा कुछ परचेस करना, हैंडी सा डिवाइस परचेस करना, नेक बैंड टाइप अगर आपको चाहिए, कहीं भी जा सकते हो आराम से, ऐसा रख दिया तो हो गया, बस कोई चिंता है नहीं, गिरने की भी चिंता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अड़का रहेगा। वो जो छोटे छोटे हैं ना वो गिरने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये गिरेगा नहीं, साथ में आप मैग्नेट भी मिल जाते हैं तो एक जगह पे रहेगा। तो यहाँ पे ये कुछ इसकी अच्छी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अभी इसकी बुरी बात क्या है, आपको बुरी बात वैसे बुरी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन बस वही है कि इतना बड़ा आपको स्ट्रैप ऐसा लगा के रखना पड़ता है। तो अगर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो बस आप इसे पहन सकते हो, एंड जो छोटे होते हैं वो तो आप आराम से इधर उधर ले करके जा सकते हो। तो ये एक्चुअली बुरी भी नहीं बोल सकते, अच्छी भी नहीं बोल सकते, अभी आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हो, लेकिन मुझे ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई यार। मैंने जितना ही यूज़ किया ना, तो मतलब बेस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एंड इंपॉर्टेंटली आप इसे ना ऐसे गले में डाल करके रात में अगर आप सोए हो एंड बेड पर पड़े पड़े भी आप इससे गाना वगैरह सुन रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको एक्सपीरियंस आता है एंड फीलिंग आती है।
अभी आप अगर एक्सरसाइज के वक्त अगर इसे यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज के वक्त आपको अगर थोड़ा जिम विम करना है, जिम विम मारते हो, ऐसा भाग दौड़ करते हो, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है ना मित्रों, बिंदास कर सकते हो। ठीक है, देखो ये तो मेरा पर्सनल रिव्यू है, आपको अगर चाहिए तो आप और भी रिव्यूज़ देख सकते हो। ठीक है, ये तो आपका ही YouTube बहुत बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रिव्यू डालते हैं, लेकिन हम हमारी ओर से आपको बता रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हेडफोन्स यहाँ पे है, चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर परचेस करना ही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहाँ से जा करके परचेस करो। सीधा अमेजोन पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे, कहीं दूसरे लिंक पे चले जाओगे, मतलब कहीं से गलत प्रोडक्ट ले लोगे, तो ऐसा मत करना। इसलिए इसके जो लिंक्स होंगे वो अच्छे से प्रॉपर लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जा करके इसे आप परचेस कर सकते हो। ठीक है ना, तो ज़रूर से बताना अगर आपके पास ये है तो, आपको ये किस तरह से काम में आ रहे हैं तो वो बताओ, आपका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा है वो भी नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। एंड चाहते हो अगर फॉलो करना तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वैसे तो अगर अभी तक ये वीडियो देखा है तो जरूर से एक लाइक देना, सपोर्ट बनाए रखो, लगता है सपोर्ट, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। जल्द से जल्द हमें 10K सब्सक्राइबर्स तक पहुँचना है, तो जरूर से यार सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम जल्द से जल्द 10K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर ले यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।